आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। एलन मस्क क्या ना कर दें भाई, ये बंदा बहुत खतरनाक है कसम से। अब एलन मस्क को नई धुन चढ़ गई है कि ट्विटर खरीदेंगे। ट्विटर, क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो कौन सा पॉपुलर है, कौन सा देखा जाता है, सबसे ज़्यादा यूजर्स कहाँ पे हैं? कमेंट बॉक्स में बताओ। चलो एंड में मैं आपका इसका जवाब दूंगा, अगर मुझे याद रहा तो। आजकल भूलने की बीमारी मुझे हुई है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें मैं भूल जाता हूँ। तो भाई ट्विटर की जो पॉइजन पिल है ये क्या, इसको तो हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले देखेंगे कहानी है क्या। बहुत बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे, सर आपने एलन मस्क पे वीडियो नहीं बनाया। बेटा मैं बाहर था अभी, थोड़ा एक दो दिन से मैं बाहर था, थोड़ा सा ट्रैवल कर रहा था। बताते हैं क्या है। देखो भाई, ट्विटर हैज थ्रोन अ रोड ब्लॉक इन द फ्रंट ऑफ मस्क हॉस्टाइल टेक ओवर बिड अडॉप्टिंग लिमिटेड ड्यूरेशन शेयर होल्डिंग राइट्स प्लान आल्सो नोन एज अ पॉइजन पिल दैट वुड मेक एवरीथिंग मच मोर एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लिकेटेड फॉर द टेस्ला सीईओ टू टेक कंट्रोल ऑफ द सोशल मीडिया नेटवर्क। क्या सर समझ में नहीं आ रहा है? एलन मस्क ने बोला कि अब हम ट्विटर खरीदेंगे। तो इसमें हुआ क्या कि सबसे पहले तो एलन मस्क ने 9% के आसपास ट्विटर के शेयर खरीदे। तो उसके बाद ऐसा होता है ना कि थोड़ा सा आपने शराब पी तो हल्की सी पी पर अच्छा लगने लगता है, फिर अब तो पूरी बोतल खत्म करेंगे। शराब पीना बहुत बुरी बात है, कोई मत पीना। वैसे मैंने बहुत सारे लेक्चर्स बनाए, सब कुछ खत्म कर देती है। तो अब एलन मस्क कह रहे हैं कि अब हम पूरा ट्विटर लेंगे, ऐसी की तैसी। ट्विटर सबसे इंपॉर्टेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। डोनाल्ड ट्रंप तो पूरा सरकारी ट्विटर से चलाते थे, कुछ देशों की सरकारी ट्विटर से चलते हैं। ट्विटर पे सुन लिया जाता है, बात यह है। अगर ट्विटर पे आपके फॉलोअर्स हैं तो अपने आप को बहुत ही लकी समझिएगा, क्योंकि ट्विटर पे फॉलोअर्स गेन करने का मतलब यह है कि लोग आपकी आइडियोलॉजी और आपके व्यक्तित्व से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं, ठीक है। तो ट्विटर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है। तो अभी क्या है, रिसेंटली ट्विटर ने काफी लोगों को ब्लॉक कर दिया, डोनाल्ड ट्रंप को ब्लॉक कर दिया, और जो भी ऐसी खबरें फैला रहा है जिससे नफरत फैले ट्विटर के ऊपर। हालांकि बहुत ये आरोप लगता रहता है कि ट्विटर भी बायस्ड है, देखिए बायस्ड इस दुनिया में हर कोई है, ये मान के चलिए। जंग यहां पे अच्छे बुरे की नहीं है, जंग यहां पे बुरे और कम बुरा कौन है बस, ठीक है। तो हर कोई बायस्ड है, तो ट्विटर के ऊपर भी ये आरोप लगते हैं। तो अब यहां पर एलन मस्क ने इनके शेयर खरीद लिए, उसके बाद भयंकर पैसा है एलन मस्क, आपको पता ही है, खरबपति इंसान है और पूरी दुनिया में अमीरों में से एक है, टॉप 5 रिचेस्ट पर्सन। तो अब इन्होंने ये बोला कि बस हम खरीदेंगे पूरा ट्विटर, $83 बिलियन। सर ये समझ में नहीं आता सर, सर ऐसे समझाओ, देसी भाषा में समझाओ सर, कितने रुपए हुए? देखो $1 बिलियन हमेशा याद रखना 7,000 करोड़ के आसपास होता है, ठीक है। 1 बिलियन इज इक्वल टू, मैं आपको कैलकुलेशन थोड़ा समझा ही देता हूं, 1 बिलियन इज इक्वल टू होता है 100 करोड़, ठीक है। 100 करोड़ मतलब 1 अरब। अब $1 कितना, 75 रुपए के आसपास है, तो इसको 75 से मल्टीप्लाई कर लो, खत्म। तो कितना हो गया, 75,000 करोड़, अरे मतलब 7,500 करोड़, है ना। भाई जितने डॉलर की कीमत है उससे मल्टीप्लाई कर लो, तो 7,500 करोड़ के आसपास $1 बिलियन हो गया, राइट। $1 मिलियन क्या, 10 हटा दो, 700 करोड़ हो गया, खत्म। तो अब एलन मस्क बोल रहे हैं कि मैं $83 बिलियन में ये कंपनी खरीद लूंगा, मतलब कितना हो गया ये, 7 × 4 = कितना, 28, लगभग 3 लाख करोड़ के आसपास, 3 लाख करोड़ के आसपास। 5 लाख करोड़ की इकोनॉमी तो हमको बनना है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, 3 लाख करोड़ के आसपास ट्विटर को देंगे। अब कंपनी की वैल्यूएशन इतनी नहीं है, इनका जो शेयर प्राइस है वो $50 के आसपास है, ठीक है। मतलब $50 भी अच्छा खासा आपका अमाउंट हो गया, मतलब 3,500 के आसपास इनका शेयर प्राइस चल रहा है। तो इन्होंने बोला है कि अरे हटा यार इसे, मैं तुमको $54 दूंगा। कहने का मतलब ये है कि एक पावरफुल इंसान आपके पास आया है, आपकी प्रॉपर्टी है, आप उसको बेच रहे हो 50 लाख में, लेकिन एक पावरफुल इंसान बोल रहा है कि अरे 50 लाख क्या, मैं तुमको 80 लाख देता हूं, जाओ 3 गुना मतलब 30 लाख एक्स्ट्रा पैसे मैं तुमको दूंगा, मुझे बेच दो। सिंपल ये कंसेप्ट है। अब बड़ी बात ये है, ट्विटर मतलब ये प्राइवेट हो गया, अभी तो ट्विटर पब्लिक है। पब्लिक मतलब क्या कि हर किसी के पास, पब्लिक मतलब यही होता है कि कंपनी पब्लिक होगी। जैसे अभी मेरी स्टडी ग्लोज प्राइवेट है, मतलब पूरी ओनरशिप मेरे पास है स्टडी ग्लोज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। पब्लिक का मतलब ये कि मैं स्टॉक एक्सचेंज में उसको लिस्ट करा दूं, यानी कि हर कोई शेयर ले सकता है, ठीक है। मेरे शेयर जो है वो डाइल्यूट हो जाएंगे,
तो प्राइवेट का मतलब यही है कि मैं आया एकदम मस्त चौड़ा होके और मैंने कहा कि भैया सारी की सारी पैसा जो है मतलब सब शेयर मैं खरीद लूंगा, तो ओनरशिप मेरी रहेगी। तो इन्होंने बोला कि 100% ओनरशिप मुझे चाहिए 3 लाख करोड़ रुपए में लगभग। तो अब ट्विटर के कान खड़े हो गए। ट्विटर ने बोला कि भाई ये क्या बवाल हो गया है, इनको कैसे हम ओनरशिप बेच दे, हालत खराब हो गई ट्विटर की। तो ट्विटर अब इसको रोकने के लिए वो सारी चीजें कर रहा है जो वो कर सकता है। फिलहाल आप जिंदगी में ना रुके तो उसके लिए हम एक बहुत ही शानदार कोर्स लाए हैं, मोटिवेशन कोर्स, सिर्फ 200 रुपए का है। 3 लाख करोड़ आपको नहीं देने, सिर्फ 200 रुपए देने हैं। और इसमें 3 फेज मैंने बनाए हैं। फेज 1, सबसे पहले हम जो आपकी प्रॉब्लम्स उसको आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसके बाद आपको डेवलप करेंगे फेज 2 में, और फेज 3 में बहुत सारी जबरदस्त टेक्निक्स बताऊंगा। ये सब लाइव होगा, लाइव कोर्स है ये। तो 23 अप्रैल यानी कि सैटरडे से ही क्लास शुरू है। तो ये जो ट्विटर है भाई, ये अब देखिए किसी भी कंपनी को उसका बोर्ड चलाता है, बोर्ड मेंबर्स क्या है, जैसे अभी स्टडी ग्लोज में आपको एक एक चीज में बहुत आसानी से समझा देता हूं। अभी जैसे मैं हूं तो मेरी अपनी ओनरशिप है, जैसे आप अगर यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं तो आपकी ओनरशिप अपनी होगी। अब उसके बाद आपका चैनल बहुत बड़ा हो जाता है तो आप कंपनी बना लेते हो, सब कुछ कंपनी अपना रजिस्टर करा ली, अब आपको फंडिंग की जरूरत है। तो ये क्या करेंगे, ये जो बोर्ड मेंबर्स हैं ये आपको पैसा देंगे, बदले में आपको इक्विटी ले लेंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे आप इक्विटी डायल्यूट करते जाओगे वैसे वैसे बोर्ड बड़ा होता जाएगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने अगर अपनी इक्विटी डायल्यूट की, से मैंने 100 करोड़ रुपए लिए, ठीक है, 50% इक्विटी डायल्यूट कर दी, फिर उसके बाद कुछ पैसे लिए 50, तो ऐसे मैं 7-8 लोगों को लेके आ गया जिन्होंने मेरी इक्विटी ले ली, बदले में मुझे पैसे दे दिया। आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक वही प्रॉपर्टी का एग्जांपल लेते हैं हम, कि आपने अपने कमरों को बेच दिया है, तो जितने कमरों को आपने बेचा उस कमरे में लोग रहने आएंगे ना जिनको आपने बेचा है, तो वो आपके घर के मेंबर होगा, आपके बोर्ड मेंबर होंगे, सिंपल। तो ये हर एक कंपनी का एक बोर्ड मेंबर होगा जो भी पब्लिक होगी, ठीक है। तो अब ये ट्विटर का जो बोर्ड है इनके कान खड़े हो गए, इन्होंने बोला अरे बाप रे भैया ऐसा तो नहीं करने देंगे, एलोन मस्क को रोकना पड़ेगा। तो भैया ये लेके आए पॉइजन पिल। अब ये पॉइजन पिल क्या है, पॉइजन पिल क्या होती है आप याद करिए, अभी भी अगर कोई जासूस पकड़ा जाता है, भारत का जासूस अगर पाकिस्तान में कहीं और पे भी घूम रहा है, तो जब पकड़ते हैं ना तो वो जो टॉर्चर होता है वो मौत से भी बदतर होता है, उससे बचने के लिए ये लोग पॉइजन पिल खा लेते हैं, ठीक है, साइनाइड खा लेते हैं, मर जाता है इंसान। तो पॉइजन पिल का मतलब ये है कि हम अपने आप को मार लेंगे लेकिन तुमको एक एडवांटेज नहीं देंगे, कुछ भी नहीं देंगे, कोई इंफॉर्मेशन तुमको नहीं देंगे। यही ट्विटर कर रहा है। इकोनॉमिक टर्म्स में अगर हम बात करें, पॉइजन पिल ये होती है, ध्यान से समझिएगा डेफिनेशन, कि इन द फाइनेंस वर्ल्ड इट अलाउज एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स टू परचेस फ्रेशली इशूड शेयर्स इन अ कंपनी एट अ डिस्काउंटेड टू द ट्रेडिंग प्राइस, एट अ डिस्काउंट टू द ट्रेडिंग प्राइस, इफेक्टिवली मेकिंग एनी पॉसिबल बायआउट प्लान एक्सट्रीमली कॉस्टली एंड प्रोहिबिटिव फॉर द पार्टी प्लानिंग होस्टाइल टेक ओवर। जैसे ये ट्विटर, ये एलॉन मस्क आ गए हैं, अब शेयर का प्राइस आपको आप देख ही रहे हो लगभग 3,500 रुपए के करीब है। अब कंपनी क्या करेगी, फ्रेश शेयर इशू करेगी और जो बाकी के शेयर होल्डर्स हैं इनको कम दामों में बेचेगी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है एलोन मस्क को ये जो इशूड शेयर्स हैं ये खरीदना महंगा पड़ जाएगा, जो शेयर आप अभी $54 में खरीद रहे हो वो और ज्यादा महंगे हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि आपके शेयर प्राइसेस बढ़े हुए हैं लेकिन आपने दर्द सह लिया, बढ़े हुए शेयर प्राइसेस को आपने अपने ही जो आपके घर के लोग हैं उनको आपने कम दामों में बेच दिया, प्राइस ज्यादा है, आपको लॉस हुआ ना। भाई मेरी कोई चीज अगर 20 रुपए की है मैं उसको 15 रुपए में बेच रहा हूं तो लॉस मेरा है, लेकिन मुझे करना है, अगर ऐसा नहीं करूंगा तो दूसरा इंसान मेरी कंपनी को ले जाएगा। तो ये कंसेप्ट है, समझ रहे हो। अब मैंने अपनी अपने सब लोगों को ये और ज्यादा शेयर्स और कंपनी को अपनी डिवाइड करके बेच दिया है, तो जो दूसरा इंसान आने वाला है उसको यही शेयर अब ज्यादा पैसे में खरीदने पड़ेंगे, ये कंसेप्ट होता है। तो ये है पॉइजन पिल, इकोनॉमिक टर्म्स में इसको यूज किया जाता है। न्यूयॉर्क बेस्ड लॉ फर्म वॉचटेल लिप्टन रोजन एंड कार्ट्स ने 1980s में, जब कैपिटलिस्ट वॉशिंगटन कंसेंसस आया था और कैपिटलिज्म बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, तब इसको लॉन्च किया था, क्योंकि तब मर्जर और एक्विजिशन बहुत ज्यादा हो रहे थे। तो वही है कि ज्यादा शेयर आप खरीद सकते हैं एट अ लोअर प्राइस, सिंपल, आप ज्यादा शेयर खरीदो एट अ लोअर प्राइस पे। अब ये ट्विटर की स्ट्रेटजी है। ट्विटर की स्ट्रेटजी क्या है, ट्विटर ने यह बोला है कि भाई देखो 15% से अगर ज्यादा गया, ठीक है, अगर किसी का भी 15% से ज्यादा शेयर रहा तो हम ये पॉइजन पिल, ये जो क्लॉज है ना, ये लागू कर देंगे, खत्म, टाटा बाय बाय, गया, गुड बाय। तो
एलॉन मस्क 15% से ज्यादा टेक्निकली होल्ड कर ही नहीं सकते, तो एक तरीके से एलॉन मस्क कभी भी ट्विटर को खरीद नहीं सकते। तो एलॉन मस्क फ्री स्पीच को सपोर्ट कर रहे हैं कि मैं सब कुछ फ्री कर दूंगा, फ्री स्पीच होनी चाहिए, जैसे अभी बहुत सारे लोगों को ब्लॉक कर दिया जाता है, लेकिन फ्री स्पीच लेके आएंगे। लेकिन दोस्तों एलॉन मस्क नहीं, एक्चुअली यहां पे वैनगार्ड ग्रुप है। एलॉन मस्क सबसे बड़े शेयर होल्डर, 9% इनके पास हैं अभी, लेकिन वैनगार्ड ये सेकंड पे हैं। वैनगार्ड जो है वो 10.3% के आसपास होल्ड करते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं फिलहाल, ये तो मैं आपको बता ही चुका, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। ये आप देख सकते हो कि ट्विटर के टॉप शेयर होल्डर्स कौन है, 9.2% है, लेकिन अभी वैनगार्ड का 10.3 कुछ करके हो गया है, तो ये अभी फर्स्ट पे हो गए हैं। भाई इनको रोकना है ना, तो इनको रोकने के लिए भी सऊदी के बहुत सारे लोगों का पैसा लगा हुआ है ट्विटर पे, तो सऊदी प्रिंस ने अभी इनको बोल दिया था कि ना इनको तो हम रोक देंगे। तो 9.2% एक तरीके से एलॉन मस्क का है, लेकिन अभी ये वैनगार्ड का ज्यादा हो गया है। फिर मॉर्गन स्टैनली आप देख सकते हैं, ब्लैक रॉक देख सकते हैं, 4.5%। कितनी बड़ी बात, कितनी जबरदस्त बात है ना, कि जब कोई कंपनी शुरू होती है तो उसको एक इंसान शुरू करता है, ठीक है, विजन रहता है। अब जैसे जैक डॉर्सी जो है, सो ये फॉर्मर चीफ एग्जीक्यूटिव है भाई, 2.3% ही है इनका खाली। लेकिन अब आप देखिए, जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री ने स्टडी ग्लो शुरू किया, अभी 100% ओनरशिप मेरे पास है, लेकिन जब ये कंपनी बहुत बड़ी हो जाएगी तो मेरे पास खाली इतनी ओनरशिप रह जाएगी, 2.3-2.5। हालांकि इसका भी आपको अच्छा खासा पैसा मिलेगा, लेकिन क्या ऐसा होना चाहिए? मुझे, मेरा पर्सनल मानना यह है, ठीक है ग्रो करने के लिए सब कुछ जायज है, बट कभी भी जो मेजॉरिटी ओनरशिप है वो हमेशा फाउंडर के पास ही रहनी चाहिए, मेरा पर्सनल मानना ये है। तो अब वही है कि मस्क का प्लान यही है कि भाई फ्री स्पीच होनी चाहिए, पूरी दुनिया जो है बढ़िया तरीके से बोले, लेकिन अब वहाँ यहाँ पे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं आया है, और इन्वेस्टर्स ने यही बोला है। अब एक और चीज़ है यहाँ पे कि एलॉन मस्क इतना कुछ खरीदेंगे कैसे, क्या इनके पास इतना पैसा है? भाई 3 लाख करोड़ की बात हो रही है यहाँ पे। तो एलॉन मस्क की जरा आप शेयर होल्डिंग देख लीजिए, ठीक है। वैसे एलॉन मस्क के पास कैश बहुत कम होता है, जितने भी लोग होते हैं कैश इनके पास 5-6 मिलियन के आसपास है, डॉलर्स की बात कर रहा हूं, मतलब 50-60 लाख रुपए नहीं, डॉलर्स की, मतलब आप इतना समझ लो कि वही 3-4 हजार करोड़ के आसपास होगा, लेकिन बाकी सब शेयर्स के फॉर्म में है, ठीक है। तो आप ये देख लो कि $40 बिलियन SpaceX, $101 बिलियन बोइंग, $43 बिलियन ये बोल रहे हैं कि हम इसको खरीद लेंगे। अगर मान लो कि इफ ही बाय ट्विटर विल बी मस्ट सेकंड लार्जेस्ट होल्डिंग, सबसे ज्यादा इनकी टेस्ला है, $170 बिलियन टेस्ला के इनके शेयर्स है। तो यानी कि ये शेयर्स जो है वो यहां पे जाएंगे, ये शेयर्स जो है भाई टेस्ला के शेयर्स ही डाइल्यूट करेंगे। अब बात ये है कि इनके पास इतना पैसा, भाई यहां पे मैट लेविन ने यही बोला है कि भाई 9.2% आसान था क्योंकि आपको $16 बिलियन तक के स्टॉक्स बेचने थे, लेकिन $43 बिलियन भाई कहां से लेके आओगे तुम, मुश्किल होगा तुम्हारे लिए, ठीक है, क्योंकि अकेले एलॉन मस्क नहीं है, टेस्ला के बोर्ड में और भी लोग हैं, ठीक है। तो ये चीज है। फिलहाल पॉइजन पिल के रेस्पॉन्स की बात करें तो इन्होंने तो ट्विटर पे गए और ट्विटर पे फिर उन्होंने वोटिंग करवा दी। इन्होंने बोला कि भाई देखो आप मुझे बताओ कि ये शेयर होल्डर जो है, ठीक है, इनके पास ताकत होनी चाहिए, बोर्ड के पास ताकत क्यों है? ये देखिए इनके ट्वीट की अगर बात करें तो ये प्राइवेट एट 54.20 बी अप टू द शेयर होल्डर नॉट द बोर्ड, बताओ सही है कि नहीं? तो इसमें 84% ने बोला यस, मतलब ये एलॉन मस्क को बेसिकली सपोर्ट कर रहे हैं, और बाकी 15.9% ने बोला नो। देखिए एलॉन मस्क कुछ भी कहेंगे ना, लोग उनको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि भाई एलॉन मस्क की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, इसका पता ऐसे ही लगाइए, मैं एलॉन मस्क पे कुछ भी बना देता हूं वो हिट चला जाता है। इफ द करेंट ट्विटर बोर्ड टेक्स एक्शन कॉन्ट्रारी टू द शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट, दे वुड बी ब्रेकिंग देयर फिडिशियली, ये पता नहीं क्या होता है फिडियुशियली, अच्छा फाइनेंशियल से कुछ होगा, द लाइबिलिटी दे वुड हैव देयर बाई अज्यूम वुड बी टाइटेनिक इन स्केल। तो ये इस तरीके का है, एलॉन मस्क भाई रुकेंगे नहीं, ये लगातार हमले करेंगे जब तक ट्विटर को खरीद नहीं लेते, देखेंगे फिलहाल क्या होता। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका क्या मानना है। अच्छा हाँ, सबसे ज्यादा मैं, अच्छा सवाल का तो जवाब दे ही दूं भाई, सबसे ज्यादा अगर सोशल मीडिया की बात करें तो फेसबुक देखा जाता है, फेसबुक के फॉलोअर सबसे, देखा नहीं, फेसबुक के यूजर सबसे ज्यादा है, ठीक है, उसके बाद फिर यूट्यूब आता है, ट्विटर नीचे है काफी। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ, कोर्स को जरूर अवेल करिएगा, थैंक यू सो मच।